दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, बहुत सारे लोगों के माइंड में यही बात रहती है कि अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी सैलरी के लिए मैं टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख लूँगा और उसके बाद में किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूँगा और वहाँ पे एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट मैं अकाउंटिंग का वर्क करना शुरू कर दूँगा। तो दोस्तों अगर आपके माइंड में भी यही विचार आ रहा है कि केवल टेली सॉफ्टवेयर सीखने से ही आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन जाओगे या टैक्स एक्सपर्ट बन जाओगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं सारी जानकारी दूंगा कि आपको टेली सॉफ्टवेयर किस तरीके से सीखना चाहिए, उसकी शुरुआत आपको कहाँ से करनी चाहिए और टेली सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको अकाउंटिंग वर्क के साथ साथ और क्या क्या वर्क जो होते हैं अकाउंट्स में वो भी सीखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अगर आप टेली सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल पर विजिट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेली सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से अकाउंटिंग वर्क मेंटेन किया जाता है ये सारा अच्छी तरीके से आपको वीडियो मिल जाएंगे टेली सॉफ्टवेयर के और वीजी सॉफ्टवेयर को। और हम धीरे धीरे मार्क सॉफ्टवेयर और फैटेक सॉफ्टवेयर की वीडियो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारा वर्क जो भी सिखाया जाएगा वो प्रैक्टिकल तरीके से ही बताया जाएगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से अकाउंटिंग वर्क मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, नॉलेजेबल वीडियो लगे, तो आप इसे लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वैसे तो एक अकाउंटेंट और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट दोनों शब्द में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यही बात रहती है भी एक अकाउंटेंट का जो वर्क होता है वो ये रहता है भी उस कंपनी में परचेज रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, सेल वाउचर के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, पेमेंट वाउचर को रिकॉर्ड को मेंटेन करना, रिसिप्ट वाउचर या बैंक से संबंधित जो वाउचर तैयार होते हैं उनको टेली सॉफ्टवेयर में डेली का डेली मेंटेन करना, यही काम अकाउंटेंट का होता है और उसके बाद में अकाउंटेंट की जिम्मेवारियाँ जो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है भी अकाउंटेंट का वर्क होता है जो रूटीन वर्क होता है किसी भी कंपनी में जहाँ पर वो अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं उसको मेंटेन करना अकाउंटेंट का काम होता है, जैसे कि रूटीन के वाउचर्स मेंटेन करना, हमने कस्टमर को जो सेल्स बिल दिए हैं उन वाउचर्स को टेली सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना, या हमारे सप्लायर्स के द्वारा जो हमें परचेज इनवॉइस मिले हैं वो उसको मेंटेन करना, रिसिप्ट वाउचर और बैंक की रिपोर्ट। तो उसके अलावा जैसे डेली का डेली कैश इन एंड मैच करना फिजिकली कैश के साथ, डेली का डेली बैंक बैलेंस मेंटेन करना एज पर बैंक के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में डेली डेली स्टॉक मेंटेन करना फिजिकली स्टॉक के साथ। तो यहाँ तक का काम तो अकाउंटेंट का होता ही है, इसमें तो किसी बात की कोई दोराई नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और काम ऐसे भी बच जाते हैं जो अकाउंटेंट को करने होते हैं, या अकाउंटेंट नहीं करता तो उसको कम से कम ये काम आना जरूरी चाहिए, उसको सीखना जरूरी चाहिए। वो काम होता है टैक्सेशन का। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जहाँ पर अकाउंटिंग वर्क कोई और मेंटेन करता है और उसके बाद में जो उनका टैक्सेशन का वर्क होता है वो उनके सीए या उनके जो टैक्स एक्सपर्ट एडवोकेट होते हैं उनको जिम्मेवारी दे रखी होती है। तो दोस्तों जो टैक्सेशन का जो वर्क होता है जैसे कि जीएसटी की रिटर्न तैयार करना, टीडीएस की रिटर्न तैयार करना, टीसीएस की रिटर्न तैयार करना, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड तैयार करना, जो टैक्स के चलान है वो डिपॉजिट करवाना, टैक्स की कैलकुलेशन करना, ये सारा काम टैक्सेशन में आ जाता है। तो ये काम भी एक अकाउंटेंट को आना चाहिए अगर वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो चाहता है तो, यानी कि अगर प्रमोशन के लिए इन सब बातों का नॉलेज होना कंपलसरी है, चाहे वो उस कंपनी में ये वर्क ना संभाले तो भी आना जरूरी है। तो दोस्तों हमने इस टेली सॉफ्टवेयर में कुछ ट्रांजेक्शन हमने कर रखी है, जैसे कि ये डेबुक है और इस डेबुक में हमने पेमेंट वाउचर भी है, रिसिप्ट वाउचर भी है, सेल वाउचर भी है और परचेज वाउचर भी है। तो दोस्तों ये चार वाउचर ऐसे होते हैं जो आपको छोटी से छोटी दुकान पर भी मिल जाएंगे, लेकिन बड़ी से बड़ी कंपनियों में इन वाउचर्स के अलावा आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिजेक्ट नोट, क्रेडिट नोट, तो इस तरीके के काफ़ी सारे वाउचर आपको मिल जाते हैं। तो ये तो वर्क होता है टेली सॉफ्टवेयर में रूटीन वर्क को मेंटेन करना, और उसके बाद में जैसे जीएसटी की रिपोर्ट तैयार करना। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए भी जीएसटी की रिटर्न किस तरीके से तैयार करी जाती है, जीएसटी की रिटर्न में कौन सी रिटर्न में किस तरीके का रिकॉर्ड गवर्नमेंट को अपलोड किया जाता है, क्योंकि सभी जो जीएसटी की रिटर्न में सभी में कोई सेल रिकॉर्ड नहीं जाता, सभी में परचेज नहीं जाता,
और कईयों में दोनों मिक्स भी जाते हैं। तो आपको माइंड में ये भी क्लियर होना जरूरी है भी GSTR रिपोर्ट हम टेली में किस तरीके से देखते हैं, और टेली की में अलावा अगर GST की रिपोर्ट अगर हमें मैनुअली रूप से बनानी पड़े तो कौन से कॉलम में किस टाइप की फिगर है जो लिखी जाती है। तो ये आपको टेली सॉफ्टवेयर से पहले आपके माइंड में ये बातें सब कुछ क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है टेली सॉफ्टवेयर कुछ गलतियां भी कर दे, तो हमें सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं रहना, कुछ हमें सब बातें माइंड में क्लियर होनी जरूरी है। जैसे कि हम टेली पे गए और उसके बाद में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर हम जाएंगे और उसके बाद में GST रिपोर्ट्स, और GST रिपोर्ट के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो GSTR से संबंधित हमें 3 ही आप ऑप्शन आ रहे हैं, GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 भी। तो ये GST से संबंधित, TDS से संबंधित और TCS से संबंधित ये सब रिकॉर्ड आपको टेली सॉफ्टवेयर में ये रिपोर्ट में सब कुछ मिल जाएंगे। जैसे जैसे हम टैक्स को इनेबल करते जाएंगे वैसे वैसे सारा रिकॉर्ड यहाँ पर भी आता रहेगा। तो दोस्तों जो GST का रिपोर्ट होता है वो रूटीन का वर्क होता है एक रेगुलर पार्टी के लिए, क्योंकि उसमें जो 3B की जो रिटर्न होती है वो मंथली जाती है। बहुत सारी ऐसे पार्टियाँ होती है जो रेगुलर डीलर में होती है, लेकिन उनकी GSTR 1 की जो रिपोर्ट है वो भी मंथली जाती है। तो GST 3B में रिकॉर्ड में गवर्नमेंट को कौन सा रिकॉर्ड देना होता है, GST 1 में क्या जाएगा और GST 2 में क्या रिकॉर्ड जाता है, तो ये भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम अगर बात करें GSTR 1 की, तो GSTR 1 में वही रिकॉर्ड जाता है जो हमारे द्वारा हमारी कंपनी में रिपोर्ट तैयार की जाती है। जैसे कि हमने कस्टमर को सेल किया उसका रिकॉर्ड, या सेल्स के अगेंस्ट में कोई क्रेडिट नोट इशू किया हुआ सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट में या रेट डिफरेंस के अगेंस्ट में, तो वो सारा रिकॉर्ड GSTR 1 में जाता है। तो वो सारी जो ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे हमें किसी भी टाइप की ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो नहीं हो रही है, और डे बुक में हमें ट्रांजेक्शन शो हो रही थी, तो ये भी हमें पता होना चाहिए भी ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो भी ये जो ट्रांजेक्शन अभी जो मंथ पीरियड जो खुला हुआ 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक खुला हुआ है, और हमने जो ट्रांजेक्शन कर रखी है डिस्प्ले पे गए हम डे बुक पे जाएंगे और हम F2 से सारा पीरियड देखेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन वो दिसंबर मंथ की है, तो इसीलिए वहाँ पर वो सारी ट्रांजेक्शन शो नहीं कर रहा। तो वो सारी ट्रांजेक्शन शो करवाने के लिए हमें GSTR 1 का पीरियड है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए वापस हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर और GST रिपोर्ट्स पर और उसके बाद में GSTR 1 पर जाएंगे और F2 से हम इसका पीरियड चेंज करके देखेंगे, तो 1/12 से लेके और 31/12 तक। तो आप देख सकते हो वो सारा का ट्रांजेक्शन हमारे पास यहाँ पर शो होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों अब हमें टेली सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं रहना भी जो सॉफ्टवेयर ने जो रिकॉर्ड तैयार किया वो एक्यूरेट है, हो सकता है ये एक्यूरेट भी हो सकता है ये एक्यूरेट ना भी हो। तो इसकी पुष्टि हमें किस तरीके से करनी है, इसको हमें क्रॉस वेरिफिकेशन किस तरीके से करना है भी जो रिकॉर्ड ये टेली सॉफ्टवेयर दिखा रहा है GSTR 1 की रिपोर्ट वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर ये एक वर्ड देख रहे हो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, यानी कि अगर आपके पास में इसके बिल्कुल सिद्ध में अभी तो यहाँ पे देखो अब बिल्कुल 0 आ रहा है, यानी कि इस रिपोर्ट में इस GSTR 1 में अब किसी भी टाइप की कोई एरर नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है ये, आपका डाटा बिल्कुल सही है। तो अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब आपकी इस ट्रांजेक्शन इस एंट्री में एक टाइप की गलती है, 2 है तो 2 टाइप की गलती है, 3 है तो 3 टाइप की गलती है, यानी कि जितने भी यहाँ पर वैल्यू शो करेगा उतनी यहाँ पे करेक्शन आपको सही करनी पड़ेगी। अभी ये बिल्कुल 0 आ रही है तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हम इसको मिलान इसका करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो भी इसकी जो टैक्सेबल टर्नओवर है यानी कि 18,372 रुपये हमने टैक्सेबल सामान है जो कस्टमरों को सेल किया हुआ है, और इसमें आप देख सकते हो कई टाइप की ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगी, B2B भी है इसमें, B2C भी है, B2C स्मॉल भी है, लार्ज भी है, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड के भी हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड के भी हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइस है, टैक्स लायबिलिटी है, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस है, नील रेटेड है, HSN और डॉक्यूमेंट समरी। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे GSTR 1 के पार्ट हैं, और B2B में कौन सा रिकॉर्ड जाता है, B2C में कौन सा रिकॉर्ड जाता है, डॉक्यूमेंट समरी में क्या रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट नोट का कौन सा रिकॉर्ड जाता है, तो इनके बारे में हमें टेली सॉफ्टवेयर से पहले नॉलेज होना कंपलसरी है। तो इसके लिए आप जब भी किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप टेली सीखने जाओ तो वहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है 80% ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको एज पर बुक नॉलेज ही देंगे,
वो आपको न तो कोई टैक्सेशन के बारे में बताएंगे, न ही आपको कोई प्रैक्टिकली जानकारी देंगे। वो आपको टेली की बुक्स देंगे और बुक्स के अकॉर्डिंग जो बुक्स में जो लिखा हुआ है, जो बुक्स में कमांड आपको लिखी हुई दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंट्री करवानी शुरू करवा देंगे। तो वो आपके कोई ज़्यादा काम आएगी नहीं। इसके लिए आपको टेली सॉफ्टवेयर अगर वहाँ पे सीख रहे हो तो उसको सीखने के बावजूद भी आपको उससे दो गुना ज़्यादा मेहनत बाद में करनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो और वहाँ पर सारा ट्रांजैक्शन आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताई जाती है, प्रैक्टिकल तरीके का मतलब भी किसी कंपनी में ओरिजिनल वाउचर किस टाइप से बनते हैं, उस वाउचर्स को देख के आप टेली में किस तरीके से एंट्री करोगे, और एंट्रियों के आधार पर आपने जो ट्रांजैक्शन करी है उसी ट्रांजैक्शन के आधार पे आप जीएसटी की रिपोर्टों को किस तरीके से तैयार करोगे, अगर किसी टाइप की एरर आती है तो उस एरर को आप किस तरीके से सुधार करोगे। तो ये बहुत ही कंपलसरी होता है अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में टैली सीखने जाता है तो उसको ये बातें पता नहीं होती भी टैक्सेशन क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है, क्योंकि उसके माइंड में बस इतना ही चलता है भी मुझे टैली सीखनी है और टैली का सर्टिफिकेट लेना है और मुझे किसी कंपनी में जॉब करनी है। तो केवल टैली सीखने से ही आपको जॉब नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको जो टैक्सेशन के वर्क है उनमें भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप जान भी जाओगे रिजेक्ट ही होगे। तो ये कब बार ये सारी बातें मैंने बहुत पहले जो वीडियो बनाई उनमें भी बता चुका हूँ और आज भी आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम देख रहे थे भी 18,372 रुपये की जो हमारी सेल यहाँ पर आ रही है, क्या वास्तव में इतनी हमारी सेल है? तो इसकी हमें पुष्टि के लिए वापस हमें जाना पड़ेगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और हमें वापस यहाँ पर आके हमें पीरियड चेंज करना पड़ेगा 1/12 से लेके और 31/12 तक। भी अगर जितनी सेल हमें यहाँ पर शो हो रही है, अगर उतनी सेल आप देख लो यहाँ पर सेल्स अकाउंट में 18,372 रुपये ही आ रहे हैं और हमें जीएसटी R1 में भी 18,372 रुपये ही शो हो रहे थे, इसका मतलब जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ जो सेल आ रही है ये सेल बिल्कुल एक्यूरेट होती है। इस सेल के साथ हमारा जीएसटी R1 का जो सेल होती है वो मैच होना जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर इस टाइप के जो किस तरीके से क्रॉस करेंगे, अगर कोई गलती आ जाए तो हमें किस तरीके से उस एरर को हमें मिटाना पड़ेगा, ये जानकारी हमें होनी जरूरी होती है। उसके बाद हम चलते हैं वापस जीएसटी रिपोर्ट पर, और जीएसटी रिपोर्ट पर जाने के बाद हम देखेंगे हम जीएसटी R1 के नेक्स्ट पार्ट को, पीरियड हम चेंज करेंगे। तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट समरी, डॉक्यूमेंट समरी का मतलब कि आपने पूरे मंथ के दौरान कितने इनवॉइस है जो इशू किए हैं। तो हमने टोटल 2 इनवॉइस है जो इशू किए हैं, 001 और 002, यानी कि टोटल 2 ट्रांजैक्शन हुई है और टोटल नेट भी 2 ही है, यानी कि किसी भी टाइप की कोई कैंसिल वाउचर हमने नहीं किया है। तो ये भी आपको देखना है। HSN वाइज समरी के अंदर आपने HSN वाइज जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसकी ट्रांजैक्शन भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सेल आ रही है उसके साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं हो रही तो आपको हो सकता है HSN वाइज में कोई करेक्शन करनी पड़े। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी नॉलेज है, ये हमें होने जरूरी है। और GSTR2 है ये हमारे लिए सारा जो परचेज से संबंधित जो रिकॉर्ड होता है, यानी कि हमें जो सप्लायर्स के द्वारा जो वाउचर हमें मिलते हैं उनका रिकॉर्ड जो सारा GSTR2 में मेंटेन होता है। अब इसमें देख सकते हैं B2B में एक ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, यानी कि हमने एक ही वाउचर से परचेज किया है जिसकी टैक्स वैल्यू 45,681 रुपये है और ये इनके टैक्स की अमाउंट है। तो अब हमें इसको बात को भी वेरीफाई करना पड़ेगा भी 45,681 रुपये हमारी एक्चुअल में परचेज है या नहीं है। तो हालांकि इसमें जो अनसर्टेन अमाउंट है, यानी कि जो करेक्शन है एरर है यहाँ पे भी 0 है, तो इसका मतलब ये रिटर्न भी हमारी बिल्कुल सही है। तो ये 45,681 को भी हम एक बार वेरीफाई करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी 45,681 रुपये शो कर रहा है, तो यानी कि हमें क्रॉस मिलान से सब कुछ डाटा हमारा वेरीफाई हो रहा है। और उसके बाद में 3B की रिपोर्ट में हम देखेंगे 3B में 1/12 से 31/12 तक, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं अभी किसी भी टाइप की कोई एरर नहीं है, यानी कि ये भी 0। तो टोटल जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये तो सारा हमारा सारा सेल का रिकॉर्ड, इसमें टोटल हमने सेल कितनी करी है और टोटल हमारा आउटपुट टैक्स है वो कितना बन रहा है और टोटल ITC यानी कि हमने जो सामान परचेज किया था उस पर हमने कितना टैक्स है जो ऑलरेडी पे कर दिया, तो उसका रिकॉर्ड भी हमें एलिजिबल ITC में
देखते हैं। तो इससे हमें कैलकुलेशन पता करनी होती है भी हमारा आउटपुट कितना बन रहा है, हमारा इनपुट कितना है, हमारी टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है। नहीं बन रही तो हमें कितना टैक्स नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारियाँ टैक्स एक्सपर्ट के लिए हमें जरूरी होती है। ये कोई जरूरी नहीं है भी आपको सारा 100% नॉलेज हो, लेकिन कम से कम आपको GST और TDS से संबंधित रिपोर्टें हैं जो आपको आनी चाहिए बनानी, और इसके बारे में नॉलेज भी आपको होना जरूरी है। क्योंकि आज आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हो, कल को आप इस कंपनी से रिजाइन देके किसी नेक्स्ट कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर इंटरव्यू में भी यही पूछा जाएगा कि आपने जो प्रीवियस कंपनी में जॉब करी है तो आपको वहाँ पर क्या क्या वर्क आप वहाँ पर करते थे। अगर आप ये करोगे मैंने केवल अकाउंटिंग ही मेंटेन करता था और टैक्सेशन का वर्क मैंने वहाँ पर कभी संभाला नहीं है, तो हो सकता है आपको वहाँ पर सेलेक्ट ना किया जाए। अगर आप ये बोलोगे मुझे अकाउंटिंग वर्क के साथ साथ टैक्सेशन वर्क भी मैं मेंटेन कर लेता हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानकारी इसके बारे में मैं रखता हूँ, तो आप 100% वहाँ पर सेलेक्ट भी हो जाओगे। तो दोस्तों इन सब बातों का नॉलेज आपको होना जरूरी है टेली सॉफ्टवेयर के सीखने के साथ साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।